ग्लैमर, चमक दमक और चकाचौंध से भरी होती है सपनों की दुनिया फिल्म और टेलीविजन जगत। यहाँ देश के अलग अलग कोने से लोग आते हैं अपने सपने को साकार करने। वहीं लॉकडाउन का असर हर सेक्टर की तरह टीवी इंडस्ट्री पर भी पड़ा है। आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे स्टार्स के बारे में जिन्हें लॉकडाउन में शोज से रिप्लेस किया गया है। फिल्म और टीवी इंडस्ट्री के लिए लॉकडाउन का वक्त बहुत मुश्किल भरा रहा है। कई कलाकारों के शोज ही बंद करने की नौबत आ गई, तो वहीं अभी भी मुश्किल हालातों से जूझ रहे हैं कई कलाकार। वहीं कई ऐसे कलाकार भी हैं जिन्हें लॉकडाउन में उन टीवी शोज से रिप्लेस कर दिया गया जिनमें वे काम करते थे। शिखा सिंह कुमकुम भाग्य से रिप्लेस। सबसे पहले बात करते हैं एक्ट्रेस शिखा सिंह की, जो पॉपुलर टीवी शो कुमकुम भाग्य में आलिया का किरदार निभा रही थी। उनकी जगह अब ये रोल इश्कबाज फेम एक्ट्रेस रेहाना पंडित निभाएंगी। करण सिंह ग्रोवर नहीं रहे मिस्टर बजाज। कसौटी जिंदगी के में मिस्टर बजाज का रोल पहले एक्टर करण सिंह ग्रोवर कर रहे थे, लेकिन कोरोना वायरस के चलते उन्होंने शो में वापस लौटने से इनकार कर दिया। इसके बाद शो के लिए गौरव चोपड़ा से लेकर शरद केलकर तक का नाम सामने आया, लेकिन आखिर में मिस्टर बजाज का रोल अब एक्टर करण पटेल कर रहे हैं। अलादीन से अवनीत कौर रिप्लेस्ड। अलादीन नाम तो सुना होगा, में यास्मीन का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस अवनीत कौर को भी रिप्लेस कर दिया गया है। अवनीत ने कोरोना वायरस के चलते शो छोड़ने का फैसला किया है। साल 2019 में वे डेंगू की चपेट में आ गई थी, जिसके बाद से उनकी इम्यूनिटी कम हो गई थी। कसौटी जिंदगी के से कटा सुमैया खान का पत्ता। टीवी शो कसौटी जिंदगी के में अनुराग और प्रेरणा की बेटी का रोल प्ले करने वाली सुमैया खान को रिप्लेस कर दिया गया है। उनकी जगह अब ये रोल चाइल्ड आर्टिस्ट तहसीन शाह प्ले करेंगी। एंटरटेनमेंट लाइव की रिपोर्ट।